इसके पहले वाले वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो चुका था, अभी आपको डी वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रही हूँ। यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद में जो आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो फर्स्ट लिखना है, सब्ट्रैक्ट के साइन देना है, फिर आपको ये बचा हुआ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के फिर उसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दिया है, ये सब्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। फ्रॉम के बाद का जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको अपन ने पहले लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट की साइन दिए, फिर सब्ट्रैक्ट के सामने जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अपन ने यहाँ पे लिखा है। आपके पास ये माइनस की साइन है और अंदर ब्रैकेट में और ब्रैकेट है, इसलिए पहले अपन ने ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ पे भी अपन ने ब्रैकेट को सॉल्व किया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4c इंटू ए तो 4ac हो गया, यहाँ पे प्लस 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 4bc, यहाँ पे भी आपके पास प्लस 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 4c स्क्वेयर। माइनस की साइन अपन ने वैसे ही रखी, फिर ये वाला ब्रैकेट अपन ने सॉल्व किया, 3a का स्क्वेयर, 3ab, 3ac। फिर यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो ये माइनस की साइन के साथ अपन ने ये ब्रैकेट सॉल्व किया है, तो माइनस प्लस माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस 2b का स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस 2bc। अब ये वाला जो है सेम ऐसा का वैसे ही लिखा है बेटा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये ब्रैकेट को अपन ने इसकी सबकी साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, यहाँ पे अपन ने प्लस लिखे, फिर अपन ने लाइक टर्म को पास मिला है। यहाँ पे आपके पास 4ac है और यही वाले टर्म में आपके पास माइनस 3ac भी यहाँ पे अपन ने पास मिला है, लाइक टर्म अपन ने पास मिला है। फिर 4bc यहाँ पे कहीं bc ही क्या बेटा आपके पास, यस bc है आपके पास लास्ट में, 2bc को अपन ने पास मिला है। फिर प्लस 4ac का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कहीं भी c का स्क्वायर है क्या, नहीं, a का स्क्वायर है क्या, नहीं, फिर यहाँ पे माइनस 3ab और यहाँ पे भी आपके पास प्लस 2ab भी है, तो प्लस 2ab, फिर ये टर्म आपके पास है माइनस, यहाँ पे लिख दिए माइनस 2b का स्क्वायर, ये टर्म तो अपन ने पास में यहाँ पे लेके आए थे बेटा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 7ac, इन दोनों की सम, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, प्लस 6bc। फिर यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस 3ab और प्लस 2, तो 3 में से 2 गया तो आपके पास माइनस ab लिखेंगे, यहाँ पे 1 तो अपन लिखते नहीं है, 1 कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लस 4c का स्क्वायर, माइनस 3a का स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर। ये अभी आपने बेटा इसका आंसर थोड़ा सा पीछे में टैली कर लीजिए, आंसर राइट है या नहीं है, एक मिनट में आपको टैली करके बता देती हूँ बेटा। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का, ये देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे दिए हुआ है माइनस 7ac, 6bc, यहाँ पे ab भी दिया है, 4c का स्क्वायर, माइनस 3, मैडम यहाँ पे तो आपके पास ही ऐसा दिए हुआ है, यस आपके पास पहले a, फिर b, फिर c, फिर इस डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको लिखा है, जो आपको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तो माइनस 3a स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर, प्लस 4c का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ab ये पहले आता है, फिर bc आता है 6bc, फिर माइनस 7ac, क्योंकि ac सी बाद में आता है, तो ये अपन ने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसा लिखा। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन 5 का डी। अभी आपके पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मल्टीप्लाइंग अ पॉलीनोमियल बाय अ पॉलीनोमियल, यानी पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल 8 में दिया है, x-4 एंड 2x+3, और मल्टीप्लाई बोला है तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सी आएंगी बेटा, मल्टीप्लीकेशन की। एग्जाम्पल नंबर 8 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल 8 क्या लिखा है बेटा आपके पास, x-4 और सेकंड ब्रैकेट में क्या दिया है, 2x+3। मैडम आपने तो मल्टीप्लाई की साइन नहीं दी, लेकिन दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन कंसीडर होती है बेटा। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अपने को फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट, फिर इसको सॉल्व करना, 2 इंटू
ये x इंटू यहाँ का 2x, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 3x, x इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2, तो 8x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 3, तो ये 12 हो गया। फिर आपके पास देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई x स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं। फिर यहाँ पे 3x और यहाँ पे माइनस 8x है, तो आपके पास ये माइनस 8 में से प्लस 3 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बचा, और बड़े की साइन मीन्स माइनस, और यहाँ आ गया आपके पास 12। ये हो गया बेटा आपके पास इसका आंसर। अभी आपके पास ये हो गया फर्स्ट, इसी में का आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया है बेटा, यहाँ पे अपने पास सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया था फर्स्ट, सेकंड में क्या दिया हुआ है, x है बेटा, x माइनस y, और सेकंड ब्रैकेट में आपको दिया है 3x प्लस 5y। फिर यहाँ पे भी आपके पास फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट और सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट, x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास x इंटू ये 3x, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5xy। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3xy प्लस माइनस माइनस 5y का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पे 5xy में से माइनस 3xy गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y का स्क्वायर, ये बचा बेटा इसका आंसर जो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं। देख लीजिए बेटा अपने भी दोनों आंसर सेम आ गए हैं। यहाँ पे जो प्रोसीजर से किए अपने अपने प्रोसीजर से किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, स्टेप राइट होना। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करके दिया जैसा मैंने किया है बेटा, देख लीजिए। अभी आपके पास इसी में है, आपके पास ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अभी आपके पास नाइन्थ वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे अपन, एग्जाम्पल नाइन में भी आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस 7, और सेकंड दिया है b माइनस 5। मल्टीप्लाई यहाँ पे कंसीडर करना है, तो a फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट और सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट, फिर a इंटू बी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7b प्लस माइनस 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 35। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे 7, यहाँ पे कोई टर्म है क्या आपके पास एक जैसी, नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस 5a प्लस 7b माइनस 35। सेम वही आंसर है, कोई लाइक टर्म है क्या आपके पास एडिशन करने के लिए, नहीं। ये हो गया बेटा इसका आंसर। अभी यहाँ पे आपके पास सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या दिया है बेटा आपके पास, ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट है 5a। ओ ये अनदर और यूज बोल रहा है 1GB कर दी मैंने, तो फिर भी पूछ रही आपको। यहाँ पे 5a माइनस 3b बोला हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट दिया है। फिर यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट और सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट, अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए यहाँ पे 5a का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3ab, यहाँ पे प्लस 2 × 7 हो गया 2 × 5 हो गया 10, a इंटू बी स्क्वायर, तो a b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस c 2 × 3, तो यहाँ पे 6 बी इंटू बी बी का बी स्क्वायर इंटू बी, तो बी का क्यूब। यहाँ पे आपके पास कहीं ए का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ये जैसा का वैसे ही लिखे। यहाँ पे ए बी है क्या बेटा आपके पास, ए बी है क्या कहीं, नहीं, तो आपके पास इसको भी जैसा का वैसे ही लिखे। अभी यहाँ पे आपके पास गलती क्या हुई देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर है, अपन ने सिर्फ a लिखी, तो यहाँ पे a का स्क्वायर लिखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर इंटू ये, तो a का क्यूब हो गया बेटा ये, और यहाँ पे a इंटू ये, तो ये a का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास ये सेकंड ब्रैकेट और सेकंड टर्म, तो ये पूरा बराबर है आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब आ जाएगा 5
ए का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 10ab का स्क्वायर माइनस 6b का क्यूब, ये हुआ बेटा इसका आंसर। अभी इसके आगे जो दिया है बेटा आपको एग्जांपल 10, वो अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।